विराट कोहली बड़े मैचों के खिलाड़ी है, उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो 8 अक्टूबर को खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच एक बार और जाकर देख ले, जहां उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनसे बड़ा कोई चेज मास्टर नहीं है। एक समय ऐसा था जब भारत ने ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के रूप में बड़े खिलाड़ी केवल 2 रनों के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े किंग कोहली भारतीय टीम की यह खस्ता हालत होते हुए देख रहे थे। मानो उनकी आंखों की ज्वालामुखी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो भारत को इस मुश्किल घड़ी से निकाल कर बड़ी पारी खेलेंगे। ठीक ऐसा ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव में होते हुए 85 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। दूसरे छोर से केएल राहुल ने भी 97 रनों की पारी खेलकर उनका पूरा साथ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में भारत के ऊपर शुरुआत में ही शिकंजा कस दिया था। क्रिकेट पंडितों ने भारत की हार का अंदाजा लगाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन शायद वो इस बात को भूल गए थे कि दूसरे छोर पर चेज मास्टर विराट कोहली खड़े हैं, जिनकी शब्दकोश में हार जैसा शब्द ही नहीं है। उन्हें मुश्किल काम करने ही पसंद है। विराट कोहली, कई बार देखा गया है कि टीम इंडिया जब जितने दबाव में होती है वो उतने ही निखर कर सामने आते हैं, और कुछ वैसा ही इन दिनों केएल राहुल भी करते हुए दिख रहे हैं, जो मिडल ऑर्डर में आकर लगातार टीम के लिए मुश्किल रन बना रहे हैं और मैच को जिता भी रहे हैं। राहुल ने जब से चोट के बाद से वापसी की है वो बेहतरीन फॉर्म में है और टीम के लिए ये बेहद अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत अंडर प्रेशर था, लेकिन विराट और राहुल ने इस प्रेशर को अपने कंधों पर उठाते हुए 165 रन की शानदार साझेदारी की। विराट ने 85 रनों की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 97 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने तारीफों के पुल बांध दिए। विराट की तारीफ करते हुए भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, क्लास इनिंग। वहीं एक फैन ने लिखा कि विराट का नाम बदलकर अब संकट मोचन कर देना चाहिए। वहीं एक फैन ने लिखा, वेल डन केएल राहुल, अब बस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे ही आपका बल्ला चलते रहे। वहीं एक यूजर ने लिखा, हम उन्हें चेज मास्टर कहते हैं और वो हर बार इसे सही साबित कर रहा है। वहीं एक यूजर ने राहुल की तारीफ में लिखा, केएल के लगातार रन बनाने से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि वो अंत तक टिके रहे और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीम जीत हासिल करे। ये तो बस शुरुआत है और आने वाले मैचों का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब भारत का अगला मुकाबला 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर अफगानिस्तान के साथ होना है। तब तक के लिए आप क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।